भोपाल से टीला जमालपुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। राजधानी भोपाल के टीला जमालपुरा क्षेत्र में शातिर दो चोर को किया गिरफ्तार। मीडिया को जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सरिता वर्मा ने चर्चा के दौरान बताया कि आरोपी सोने मकान की करते थे रैकी, मौका देखकर चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। आरोपी के पूर्व में भी कई अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी से लगभग 5 लाख रुपए का मशरूका किया गया बरामद। संवाददाता अनस खान की रिपोर्ट। ये अपने पति के साथ में छोले पर किसी शादी समारोह में गई थी। घर पर ताला लगा हुआ था। सुबह जब ये आती हैं तो घर का ताला टूटा हुआ रहता है। ताला टूटा होने से वो देखती है कि मतलब ये ताला टूटा हुआ है। आसपास लोगों से पूछती हैं, फिर अंदर जाती हैं। अंदर इनके गोदरेज की अलमारी रहती है, गोदरेज की अलमारी का ताला भी टूटा हुआ होता है। अंदर उनके रखे हुए सोने चांदी के आभूषण और नकदी गायब रहती है। सर वो आकर के थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट लिखाने के बाद थाने की पुलिस टीम गठित होती है, जिसमें कि हमारे 6-7 स्टाफ को टीम में रवाना करते हैं। पूरी टीम रवाना होती है, जा करके फिर जितने भी नकबजन हैं, निगरानी बदमाश हैं, उनको संदेहियों को उठाकर पूछताछ करते हैं। दो संदेही जो घर पर नहीं मिलते हैं, उनके घर के आसपास जब पुलिस दबिश देती है तो वो पुलिस को देखकर भागते हैं। थाना क्षेत्र में एक नाला पड़ता है, इंदिरा नगर कांग्रेस नगर तरफ जाता है, तो वहाँ से वो लोग भागते हुए नजर आते हैं। पुलिस उनको घेराबंदी कर पकड़ती है। उनके हाथ में कुछ थैले जैसी चीज़ रहती है, जिसको वो नाले पर फेंक देते हैं। पुलिस उनको पकड़कर पूछताछ करती है तो वो बताते हैं, मतलब अपना नाम बताते हैं, एक अजहर अली और एक सरवर अली, चूँकि दोनों भाई हैं। और वो दोनों भाई से जब चोरी के संबंध में पूछताछ की जाती है तो वो चोरी करना कबूल करते हैं। उनसे पूछते हैं वो सामान जो उन्होंने चोरी किया है वो कहाँ है, तो उन्होंने वो बताते हैं हमने नाले पर फेंक दिया। नाले से जाकर के पुलिस वो सामग्री को जब जो सोने चांदी के आभूषण नकदी रहती है बरामद करती है। इनसे पूछताछ कर इनके कथन लेख किए जाते हैं, मेमोरेंडम लिख कर इनसे वो सारी जितनी भी सोने चांदी के आभूषण हैं जब्त किए जाते हैं। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उनको जेल भेज दिया। ये सोने घर की रैकी करते हैं और उसके बाद में ये देखते हैं कि कब इनका टाइमिंग जाने का है, कहाँ जाने का है, कितना टाइम उनको आने में लगेगा, उस हिसाब से अपनी पूरी योजना के तहत ही इस तरह की घटना को अंजाम